नमस्कार साथियों, वेलकम टू लर्न इजी। ज्योग्राफी सीरीज का ये 14वां पार्ट है। आज के इस पार्ट में हम बात करेंगे पर्वतों की, जिनमें से जो इम्पोर्टेंट पर्वत हैं वलित पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत, ब्लॉक पर्वत और अवशिष्ट पर्वत। इनमें हम पर्टिकुलर एक एक पर्वतों की बात विस्तार से करेंगे। और साथियों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसकी ये उपलब्ध हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। तो ये बात करते हैं अपने टॉपिक की। पहले बात करेंगे आखिर पर्वत होते क्या हैं, पर्वत क्या हैं। तो पर्वत की सिंपल सी डिफिनीशन है, भूमि का ऐसा भाग जो निकट के धरातल से अत्यधिक ऊँचा हो पर्वत कहलाता है। मतलब कि जहाँ धरातल होता है, धरातल से ऐसा भाग, धरातल के आसपास का ऐसा भाग जो ऊंचाई में उठा हो। यहाँ पर स्पष्ट कर दिया गया है कि धरातल से अत्यधिक ऊंचाई में जो भी भाग उठा होता है वो पर्वत कहलाता है। यह या तो अकेला ऊंचा होता है या फिर श्रृंखला में होता है। और यह आप लोगों ने देखा भी होगा, कहीं कहीं पर एक पर्वत होता है और कहीं कहीं पर ये जो है श्रृंखला वाइज होता है। श्रृंखला में ये उठे होते हैं तो वो श्रृंखला वाले पर्वत कहलाते हैं, और जहाँ पर एक होता अकेला ऊंचा होता है तो वो भी पर्वत ही कहलाता है। तो सिंपल सी बात ये है कि जो भी धरातल से अत्यधिक ऊंचा उठा भाग होगा वो हमारा पर्वत कहलाता है। पर्वतों को कई भागों में विभाजित किया गया है, ये डिफिनेशन हो गई। अब निर्माण की प्रक्रिया के आधार पर, जैसे जैसे पर्वतों का निर्माण हुआ है उसी के आधार पर पर्वतों को कई रूपों में विभाजित किया है। कई इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि जो 600 मीटर से ऊपर की ऊंचाई होती है, वैसे तो कई उठे हुए भाग होते हैं लेकिन सभी उठे हुए भाग पर्वत नहीं कहलाते हैं। एक इतिहासकारों ने एक लिमिट निर्धारित की है जो कि लगभग 600 मीटर है। तो जो 600 मीटर से ऊपर जो भी उठा हुआ भाग होगा वो पर्वत कहलाता है, उससे नीचे जो भी होगा वो पहाड़ियाँ कहलाता है। तो आइए बात करते हैं कि निर्माण प्रक्रिया के आधार पर पर्वतों को किन किन रूप में विभाजित किया गया है। इनमें सबसे पहला जो नाम आता है वो है वलित पर्वत का। वलित पर्वत कैसे इनका निर्माण हुआ और इनके क्या क्या उदाहरण हैं। एग्जाम्स पर्पस में सिर्फ यही इम्पोर्टेंट है कि कौन सा पर्वत किस पर्वत की श्रेणी में आता है और कहाँ कहाँ के पर्वत किन श्रेणी में हैं, बस इतना इम्पोर्टेंट है। तो इन सभी की जानकारी देखते हैं। पहले बात करते हैं कि वलित पर्वत आखिर है क्या, इनका निर्माण कैसे हुआ। तो वलित पर्वतों का जो निर्माण हुआ है वो पृथ्वी की आंतरिक शक्ति के कारण, जब चट्टानों में मोड़ या वलन आ जाते हैं तो उन्हें मोड़दार या वलित पर्वत कहा जाता है। सिंपल सी डिफिनीशन है कि जब पृथ्वी की आंतरिक शक्ति, जो पृथ्वी की अंदर जो शक्तियाँ हैं, आंतरिक शक्ति हैं, उसके कारण जब चट्टानों में मोड़ या वलन आ जाते हैं तो उन्हें मोड़दार या वलित पर्वत कहा जाता है। सीधा डिफिनीशन है कि चट्टानों से इनका निर्माण होता है, चट्टानों में जब मोड़ आ जाते हैं या उनमें वलन आ जाता है तो वलित पर्वतों का निर्माण होता है। अब वलित पर्वतों का जो सिद्धांत है वो क्या है। जो वलित पर्वत हैं उनका सिद्धांत प्लेट टेक्टोनिक की संकल्पना पर आधारित होता है। मतलब जो हमारे पृथ्वी है उसके नीचे जो चट्टानें हैं वो प्लेटों के रूप में होती हैं, उनकी एक परत होती है। तो वो परत जब मुड़ती हैं, उनमें मुड़ाव होना या घुमाव होना, तो उसी संकल्पना पर आधारित होता है इसका सिद्धांत। जो वलित पर्वत है उनका सिद्धांत प्लेट टेक्टोनिक की संकल्पना पर आधारित होता है। एग्जाम्स में क्वेश्चन यहाँ से भी पूछ सकते हैं कि वलित पर्वत का सिद्धांत क्या है। तो वलित पर्वतों का सिद्धांत प्लेट टेक्टोनिक होता है। भारत का हिमालय पर्वत, जो भारत का हिमालय पर्वत है वो विश्व का सबसे युवा पर्वत माना जाता है और ये भी वलित पर्वत का एक उदाहरण है। उसके अलावा जो अरावली पर्वत है वो विश्व का सबसे प्राचीन पर्वत माना जाता है। तो यहाँ से भी दो सिंपल से क्वेश्चन बनते हैं कि विश्व का सबसे युवा पर्वत कौन सा है। तो विश्व का सबसे युवा पर्वत हिमालय पर्वत है, और विश्व का सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है, तो विश्व का सबसे प्राचीन पर्वत अरावली पर्वत है, और संयोग से ये दोनों भारत में ही हैं। तो सबसे युवा और सबसे प्राचीन पर्वत दोनों भारत में हैं, सबसे युवा हिमालय और सबसे प्राचीन अरावली। वलित पर्वतों के कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं।
तो इनमें से सबसे पहला है यूरोप में आल्प्स, जो यूरोप का आल्प्स पर्वत श्रृंखला है वो वलित पर्वतों की श्रेणी में आते हैं। उसके अलावा एशिया में हिमालय, जैसा कि जो हिमालय है वो कई क्षेत्रों में है, मतलब कई देशों में है, भारत, नेपाल, तो इन देशों में जो हिमालय है वो फैला हुआ है, तो ये पूरा एशिया को कवर करता है। तो यूरोप में आल्प्स, एशिया में हिमालय, और अफ्रीका में एटलस, दक्षिण अमेरिका में एंडीज, उत्तरी अमेरिका का रॉकी। ये जो पर्वत हैं ये वलित पर्वत के उदाहरण हैं। तो इम्पॉर्टेंट यहाँ पर ये है कि कौन सा पर्वत किस श्रेणी में आता है। तो आल्प्स की अगर बात करें, कि अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि आल्प्स पर्वत श्रृंखला किस प्रकार के पर्वतों का उदाहरण है, वहाँ पर आपको एग्जांपल्स दिए होंगे, विशिष्ट पर्वत, वलित पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत, तो वहाँ आपको बताना होगा कि आल्प्स पर्वत किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है। एशिया में हिमालय, अफ्रीका में एटलस, दक्षिण अमेरिका में एंडीज और उत्तरी अमेरिका का रॉकी, ये सभी पर्वत वलित पर्वत की श्रेणी में आते हैं, ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट है भ्रंसोत या ब्लॉक पर्वत। इनका निर्माण कैसे होता है? जब चट्टानों में स्थित भ्रंश के कारण मध्य भाग नीचे धस जाता है तथा अगल बगल के भाग ऊंचे उठे प्रतीत होते हैं, तो ऐसे में भ्रंसोत या ब्लॉक पर्वत का निर्माण होता है। इसकी सीधी सी संकल्पना ये है कि जब चट्टानों पर ऊपर से प्रेशर पड़ता है तो चट्टानें धस जाती हैं, तो चट्टानों के धसने से उस प्रेशर के द्वारा अगल बगल उसके आसपास जो है वो ऊंचाई हो जाती है, तो ऐसे पर्वत जो होते हैं वो ब्लॉक पर्वत कहलाते हैं। इसकी जो डेफिनेशन है वो बहुत ही सिंपल है कि अगर हम बीच में प्रेशर लगाएं तो उसके आसपास का जो मटेरियल होगा वो ऊपर उठ जाएगा, तो ऐसे जब पर्वत का निर्माण होता है तो वो हमारे भ्रंसोत या ब्लॉक पर्वत कहलाते हैं। इसमें जो बीच में भाग धस जाता है उनको हम रिफ्ट घाटी कहते हैं। जो बीच में भाग धस जाता है और आसपास पर्वत बन जाते हैं, तो जो बीच में धसा हुआ भाग है वो हमारा रिफ्ट घाटी कहलाता है। इनकी विशेषता क्या है कि इन पर्वतों के जो शीर्ष हैं वो समतल होते हैं। भ्रंसोत या ब्लॉक पर्वत के जो शीर्ष हैं वो समतल होते हैं। इनके कुछ उदाहरण हैं, भारत में नीलगिरी, सतपुड़ा, फ्रांस में वाजियस, पाकिस्तान में सॉल्ट रेंज, ये सभी भ्रंसोत या ब्लॉक पर्वत के उदाहरण हैं। एग्जाम्पल्स एक बार फिर से, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है, तो भारत में नीलगिरी, सतपुड़ा, उसके अलावा फ्रांस में वाजियस, पाकिस्तान में सॉल्ट रेंज, ये सभी भ्रंसोत या ब्लॉक पर्वत के उदाहरण हैं। नेक्स्ट है हमारा ज्वालामुखी पर्वत। इनका निर्माण, इनके नाम से ही प्रतीत होता है कि इनके निर्माण में ज्वालामुखी का बहुत योगदान होगा। तो ज्वालामुखी पर्वतों का जो निर्माण है वो ज्वालामुखी के उद्गार से निकले लावा आदि पदार्थों के जमाव से होता है। जब ज्वालामुखी में उद्गार होता है तो उसके आसपास लावा जमा हो जाता है, तो ऐसे ही जमाव के कारण जो पर्वत बनता है उसे ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं। इसकी आकृति शंकुनुमा होती है, जैसा शंकु होता है उस प्रकार में ज्वालामुखी पर्वत की आकृति होती है। इसमें क्या होता है कि इसमें ऊपरी भाग में कीपनुमा गड्ढा हो जाता है जिसे क्रेटर कहा जाता है, जो कि जब हमने ज्वालामुखी पढ़ाया था अपने वीडियो में तो वहाँ सब कुछ बताया था, क्रेटर क्या होता है, गड्ढा कैसे होता है और इसमें झीलों का निर्माण कैसे होता है, सब कुछ बताया था। तो ये जो ज्वालामुखी पर्वत हैं इनकी आकृति कैसी है? शंकुनुमा। इसके ऊपरी भाग में एक कीपनुमा गड्ढा हो जाता है जिसे क्रेटर कहते हैं। इनका जो एग्जाम्पल्स हैं वो हैं अफ्रीका में किलिमंजारो, संयुक्त राज्य अमेरिका में माउंट रेनियर, जापान में फ्यूजियामा और चिली का एंका कागुआ, ये जो है ज्वालामुखी पर्वत के उदाहरण हैं। एग्जाम्पल्स एक बार फिर से, अफ्रीका का किलिमंजारो जो कि एक ज्वालामुखी पर्वत है, संयुक्त राज्य अमेरिका में माउंट रेनियर, जापान में फ्यूजियामा और चिली का एंका कागुआ, ये सभी ज्वालामुखी पर्वत के उदाहरण हैं। नेक्स्ट है हमारा अवशिष्ट पर्वत। अवशिष्ट पर्वत क्या होते हैं, इनका निर्माण कैसे होता है? तो वे पर्वत जो एक लंबे समय अंतराल में अपरदन की प्रक्रिया द्वारा काट छाट से निर्मित होते हैं अवशिष्ट पर्वत कहलाते हैं। अवशिष्ट पर्वत क्या होते हैं कि ऐसे पर्वत जो एक लंबे समय, इनका जो निर्माण होता है वो बहुत ही लंबे समय में हो पाता है, तो लंबे समय अंतराल में जब अपरदन की प्रक्रिया द्वारा
अपरदन की जो प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया द्वारा काट छाट से जो निर्मित होते हैं तो ऐसे पर्वत अविशिष्ट पर्वत कहलाते हैं। धीरे धीरे इनका निर्माण होता है, अपरदन होता है मीन्स कटाव होता है, और कटाव और काट छाट के कारण ही अविशिष्ट पर्वत का निर्माण होता है। इनके एग्जाम्पल्स क्या हैं? भारत में विंध्याचल एवं सतपुड़ा, भारत में कौन कौन से? विंध्याचल एवं सतपुड़ा, नीलगिरी की पहाड़ियाँ, तथा अमेरिका में गैसा एवं बूटे। ये जो हैं ये अविशिष्ट पर्वत के उदाहरण हैं। कौन कौन से? भारत में विंध्याचल एवं सतपुड़ा की पहाड़ियाँ, नीलगिरी की पहाड़ियाँ, तथा अमेरिका में जो इसका एग्जाम्पल्स है वो है गैसा एवं बूटे। उसके बाद नेक्स्ट है गुंबदनुमा पर्वत। गुंबदनुमा पर्वत क्या है, इनका निर्माण कैसे होता है? जब पृथ्वी के धरातली भाग में, जो पृथ्वी धरातल भाग है उसमें चाप के आकार के उभार होते हैं, जैसा कि नाम से स्पष्ट गुंबद, तो गुंबद को हम समझ लें कि जो चाप है वो अर्धवृत्ताकार, तो अर्धवृत्ताकार एक शेप होगी, उस शेप में जब आकार में उभार होगा तो ये धरातल से ऊपर उठ जाएंगे, और उठने पर ये गुंबद रूप धारण कर लेते हैं, तो इस वजह से इन्हें गुंबदनुमा पर्वत कहा जाता है। इनके जो एग्जाम्पल्स हैं वो है संयुक्त राज्य अमेरिका की जो ब्लैक पहाड़ियाँ और हेनरी पर्वत हैं, ये गुंबदनुमा पर्वत के उदाहरण हैं। भारत में इसका जो है कोई महत्वपूर्ण एग्जाम्पल नहीं है, तो गुंबदनुमा पर्वत एक भारत में नहीं पाए जाते हैं और ये विदेश मीन्स अमेरिका में पाए जाते हैं। कैसे होते हैं ये? इनमें जो धरातली भाग है वो चाप के आकार में उभार होता है और ये धरातल से ऊपर उठ जाते हैं। इसके एग्जाम्पल्स फिर से देख लेते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका की जो ब्लैक पहाड़ियाँ और हेनरी पर्वत हैं ये गुंबदनुमा पर्वत के उदाहरण हैं। आगे बात करेंगे हम पर्वतों से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण तथ्य की। इसमें सबसे पहला है भारत की सबसे लंबी पर्वतमाला विंध्याचल है। भारत की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? विंध्याचल पर्वतमाला भारत की सबसे लंबी पर्वतमाला है। उसके अलावा विश्व की 14 सबसे ऊंची चोटी हिमालय पर स्थित हैं। जो विश्व की सबसे ऊंची 14 चोटियां हैं वो सभी हिमालय पर ही स्थित हैं, और जैसा कि हम जानते हैं कि जो हिमालय पर्वत है वो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है, और इसकी जो श्रृंखलाएं हैं वो विश्व में सबसे ऊंची हैं। तो विश्व की जो सबसे 14 सबसे ऊंची चोटियां हैं स्टार्टिंग से, वो सभी हिमालय पर स्थित हैं। हिमालय के बाद जो सबसे ऊंचा पर्वत है वो एंडीज है। जो एंडीज पर्वत है वो हिमालय के बाद सबसे ऊंचा पर्वत है। ये ध्यान रखने वाली चीज़ है कि भारत अगर बात करें हिमालय के बाद कौन सा पर्वत सबसे ऊंचा है, तो हिमालय के बाद जो सबसे ऊंचा पर्वत है वो एंडीज है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं, विश्व में अविशिष्ट पर्वतों की संख्या सबसे अधिक है। जितने भी अभी हमने पढ़ाए हैं, वलित पर्वत, अविशिष्ट पर्वत, गुंबदनुमा पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत, उसमें जो सबसे अधिक संख्या में पाए जाते हैं तो वो कौन से हैं? अविशिष्ट पर्वत। विश्व में सबसे अधिक जो पर्वत पाए जाते हैं कौन से हैं? अविशिष्ट पर्वत। नेक्स्ट है एंडीज की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? एंडीज की सबसे ऊंची चोटी जो कि हिमालय के बाद दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत है, तो एंडीज की सबसे ऊंची जो चोटी है वो है एंकाकागुआ, जो कि चिली में है। तो एंकाकागुआ जो है वो एंडीज की सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट है संसार का सबसे पुराना पर्वत अरावली पर्वत है। विश्व का सबसे पुराना पर्वत है, पूरे संसार का सबसे पुराना पर्वत है, तो वो है अरावली पर्वत। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 1727 मीटर। जो माउंट आबू है सबसे ऊंची चोटी, इसकी ऊंचाई 1727 मीटर है। तो पर्वतों के बारे में आज के इस वीडियो में जो इम्पॉर्टेंट है वो पर्वतों के टाइप्स हैं, कि किस टाइप्स के पर्वत कहाँ पर पाए जाते हैं, और इससे एग्ज़ाम्स में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सी श्रृंखला किस टाइप की श्रृंखला है। उसके अलावा हमने कुछ यहाँ पर महत्वपूर्ण तथ्य बताए हैं, इनसे भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। तो यहाँ पर इस वीडियो को आपको परीक्षा उपयोगी बनाने के लिए बहुत कोशिश की गई है। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करेंगे जिससे ज़्यादा लोगों को इसकी पहुंच होगी और ज़्यादा लोग इसको देखेंगे, और यहाँ से हो सकता है कि उन्हें इस परीक्षा में योगदान मिले। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। उसके अलावा हमारे नेक्स्ट वीडियो की अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फेसबुक पर आप हमसे जुड़ने के लिए हमारे लर्न ईजी ग्रुप और लर्न ईजी पेज से जुड़ सकते हैं, जिसके लिंक हमारे इस वीडियो के
डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, वहाँ से आप इजीली हमसे जुड़ सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।